नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई जी के आज के और एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों वेब न्यूज पोर्टल से यहाँ एक खबर मिलती है, सड़क दुर्घटनाओं को कम करेगा ये इस तरह का यह एक खास एयरबैग हेलमेट। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, टू व्हीलर व्हीकल चलाते वक्त हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी होता है। दोस्तों यह चीज़ किसी से छिपी नहीं है। स्कूटर हुआ, बाइक हो, ये सब चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल मुश्किल घड़ी में कई बार लोगों को जीवन दान देता है। इसीलिए सरकारी स्तर पर भी ड्राइविंग के दौरान हेलमेट पहनने को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। बावजूद इसके कुछ लोग इससे बचते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आया है एक खास एयरबैग हेलमेट और यह काफ़ी सहूलियत की चीज़ होगी। हालांकि फिलहाल इसे साइकिल चलाने वालों के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों यह एयरबैग नुमा यह खास हेलमेट एक स्वीडिश होल्डिंग डिवाइस है और दोस्तों इसकी खासियत यह है कि दुर्घटना होने पर यह डिवाइस किसी तकिए की तरह फूलकर आपके गले और सिर को पूरी तरह से ढक लेता है। खास बात यह है कि हवा की अधिकतम मात्रा न होने पर भी यह एयरबैग आपकी सुरक्षा कर सकता है। सामान्य बाइक हेलमेट के मुकाबले यह एयरबैग हेलमेट कहीं मोटा और मुलायम है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस बाइक के हेलमेट एयरबैग में किसी दुर्घटना की आशंका को बहुत बेहतर तरीके से पहचानने की कैपेबिलिटी रखता है। दोस्तों एक्चुअली यह हेलमेट एक एयरबैग है जो आपकी सर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे आपको साइकिल चलाते वक्त सामान्य हेलमेट की तरह घर से पहनकर नहीं चलना होता है। इसे कॉलर की तरह सिर्फ गले में डालकर चलना है। एक्सीडेंट या किसी मुश्किल घड़ी में यह खुद ब खुद आपके सर को ढक लेता है। जी हाँ, दरअसल खास तरह का यह एयरबैग तभी खुलता है जब किसी तरह की दुर्घटना की आशंका होती है। यह हेलमेट साइकिल सेफ्टी को देखकर डिज़ाइन किया गया है। देखने में यह हेलमेट कॉलर की तरह है जिसे आप गले में पहनकर चल सकते हैं। मुसीबत की घड़ी में यह कॉलर फैलकर बाकायदा फूलकर एक हेलमेट बन जाता है और आपके सर को ढक लेता है। जानते हैं कि यह एयरबैग काम कैसे करता है। तो दोस्तों इस हेलमेट जैसे एयरबैग की खासियत यह है कि यह आपकी हर मूवमेंट की को प्रति सेकंड में 200 बार रिकॉर्ड करता है। यानी आप कब मुसीबत की घड़ी में पड़ सकते हैं यह एयरबैग आपसे पहले भाप लेता है और फटाफट हेलमेट में तब्दील होकर आपकी सुरक्षा करता है। एयरबैग के सेंसर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके होने वाली दुर्घटना की पहचान करते हैं। कैरी करने में यह एयरबैग इतना आसान है कि रोजाना की राइडिंग में इसे आसानी से गले में डालकर चल सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप बाइक या स्कूटर पर जाते वक्त हेलमेट पहनते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप हेलमेट की तुलना में मुलायम और गद्देदार है, ऐसे में यह भारी भी नहीं है। यानी सुरक्षा यह आम हेलमेट की तरह ही करता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सुविधाजनक है। साल 2009 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 5 लाख लोग साइकिल चलाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इमरजेंसी में भर्ती कराए जाते हैं। इनमें से करीब 85,000 लोगों को सर की सर्जरी से गुजरना पड़ता है। यानी साइकिल चलाते वक्त भी सुरक्षा की व्यवस्था जरूरी है। ऐसे में यह एयरबैग हेलमेट दुर्घटना के इन आंकड़ों को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों इस तरह की दुर्घटना को कम करने के लिए वैसे साइकिल के पैडल के पास एयरबैग लगाने की बात भी चल रही है और इस पर रिसर्चर काम भी कर रहे हैं, लेकिन बात जब साइकिल की आती है तो फिलहाल लोग प्लास्टिक कवर या पॉलिस्टर फोन के हेलमेट ही इस्तेमाल करते हैं। वजन में हल्का होने के कारण लोग इन्हें प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत अधिक प्रभावी नहीं है। ऐसे में इन्हें पहनने के बाद एक्सीडेंट होने पर आपको सर की चोट लगने की आशंका रहती है। दोस्तों लेकिन इस मामले में यह एयरबैग हेलमेट काफ़ी असरकारक है। यह काफ़ी मोटा और मुलायम है। आने वाले वक्त में उम्मीद कर सकते हैं कि बाइक और स्कूटर के लिए भी ऐसा एयरबैग हेलमेट आ सकता है। दोस्तों यह थी एक कार एंड बाइक की न्यूज़। और दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ में रोजाना लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।